दोस्तों, जो पतंग हमने जो है इनकम्प्लीट छोड़ी थी वो ये सामने है, आपको दिख रहा होगा। अब इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, सबसे पहले तो देखिए इसमें ये पत्ता यहाँ के लिए चाहिए होता है, नंबर एक, पतंग कंप्लीट हो जाती है। और ये टेपिंग यहाँ के लिए, और ये वाली पतली वाली ये कमानी के पास, और ये जो है होता है ये यहाँ पे लगेगा, ठीक। और उसके बाद ये जो मुड्ढे पे लगना है वो यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो दोस्तों, इस पतंग में हम क्या करेंगे कि हम इसको जिस तरफ ये सादा है तो इधर हम चमक लगाएंगे, जिसमें कि पतंग उड़ने पे कुछ नज़र आए, यानी कि हम ये चीज़ को यहाँ पे चमक लगाएंगे और ये साइड पे सादा लगाएंगे ऐसे, ठीक है। या इसको हम दोनों ही कर देंगे, ऐसे चमक ही लगाएंगे। तो आप जैसे कि देख, इस तरह से ये पतंग हमारी कंप्लीट होगी। और अभी इसके अंदर जो बाकी है वो है बाकी, जैसे कि आप देख रहे हैं, जब हम ये दूसरा पत्ता लगाते हैं दूसरे तरफ ये, तो हम उसके लिए क्या करते हैं कि ये इनका लगाते हैं और इसी के ऊपर ऐसे करके चपकता है, ठीक है। तो ये समझ लीजिए कि हो गया पूरा इसका जो सामान है, इसको हम एक साइड पे कर देते हैं। उसके पहले हम आप लोगों को दिखा देंगे कुछ और जो आप लोग समझ गए होंगे। उसके पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ इसका धागा पलटेंगे, इसका धागा पलटेंगे, जैसे कि आप देख रहे होंगे ये। इसका धागा पलटने के लिए, जैसे कि हमने आप लोगों को बताया कि इसको धागा पहले फंसाना पड़ता है, ठीक है। ये धागा फंसा के इसको मजबूती के साथ ऐसे ये निकलने ना पाए ऐसे। और उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे कि इसको जो है इसकी मदद से ये जो है इसकी मदद से पहले हम यहाँ पास हल्का सा कट लगा देंगे ऐसे, और ये इसको जो है हम ऐसे ला के इसमें फंसा देंगे। इसी प्रकार से ये मुट्ठे की तरफ भी हल्का सा ऐसे थोड़ा सा लगा देंगे कि जिसमें जो आसानी से धागा जो है वह फंसना चाहिए ऐसे। और उसके बाद जो है दोस्तों ये इसमें देखिए, इसमें जो कटाव नहीं लग पाया है, तो कटाव न लगने की वजह से इसमें फंस नहीं रहा, तो इसमें हमें हल्का सा कटाव ज़रूरी है लगाना, ठीक है। कटाव लगाने से क्या होता है, बहुत अच्छे से इसमें धागा जो है वो फंस जाता है, ऐसे करके ये फंस गया। अब इसको हम क्या करेंगे, ये साइड पे भी, ठीक है, ये साइड पे भी हम हल्का सा कटा इसको लगा देंगे। और उसके बाद जो है देखिए, फिर भी निकल गया, ये जो है ऐसे टाइट कर लेते हैं, फिर इधर की तरफ ऐसे इसमें भी ऐसे ला के ऐसे फंसा लेते हैं। और उसके बाद दोस्तों इसको यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा के काट देते हैं, और उसको हम बहुत आसानी के साथ इसको ऐसे बढ़ा देते हैं, ये देखिए मच्छर देखिए आ रहा है, चूँकि रात है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं कि कौन वाले में से आसानी से ये निकलता है,
इसको फटाफट जो है हम धागे को मोड़ देते हैं। अब इसमें से निकलने के ऊपर है, इसमें थोड़ा थोड़ा निकला है, ये देखें, इसको बहुत अच्छे से अपने तरफ ही इसको बढ़ाना है, यानी इस तरफ जो है, और उसके बाद इसको ऐसे करके पलट देना है। ये देखिए, बहुत अच्छे से इसको पलटना चाहिए। ये देखिए, और इसको जितना पतला आपको मोड़ना उतना पतला आप जो इसको मोड़ लीजिए, और उसके बाद इस कपड़े से ऐसे करके दबा दीजिए। अब उसके बाद दोस्तों ये पूरा ही ले लेते हैं यहाँ से। ये देखिए, ठीक है, ये ऐसे करके नीचे की तरफ ऐसे लेंगे, और उसके बाद इसको बहुत आहिस्ता एक बराबर ऐसे मोड़ देंगे। इस तरह से मोड़ देंगे, ठीक है, ऐसे करके। तो ये जो है एक तरफ हो गया। अब ये जो है ये धागा ऊपर है, तो इसको हम ऐसे मोड़ के नीचे कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम ये मुट्ठे की तरफ से ऐसे करके हटा के थोड़ा सा ऐसे लगाएंगे, ठीक है, ये ऐसे करके ऐसे लगाएंगे, और उसके बाद दोस्तों इसको मुट्ठे को बहुत अच्छे से ऐसे मोड़ देना है। ये देखिए, ठीक है, ऐसे करके थोड़ा थोड़ा सा मोड़ देना। उसके बाद जो है इसको हम इसको पूरे में ऐसे लगा लेंगे, और उसके बाद इसको पोछते भी रहना है, क्योंकि ये फिर बाद में चपक सकता है। और उसके बाद जो है दोस्तों इसको ऐसे फैला के, और जितना चौड़ा आपको मोड़ना है आप उसको मोड़ लीजिए। इस तरह से, तो इस तरह से जैसे ये हो गया है, तब इसी प्रकार से वो दोनों तरफ की करना है, ठीक है। दोस्तों जैसे कि पूरी जो है चारों तरफ का धागा हमने पलट दिया है, ठीक है। अब इसमें क्या बाकी है कि अब इसमें हम सबसे पहला काम करते हैं कि इसमें मुट्ठे पे हम लगा देते हैं, ये यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लगा देते हैं। तो हम इसको क्या करते हैं कि इसको ये सब चीज़ें जब चपकाएंगे, तो मेन चीज़ ये वाले से, चूँकि ये पतला है थोड़ा सा, तो इससे लगाएंगे, इसमें जो है पूरे में लगाने में बहुत आसानी होती है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको फैला लेंगे, ठीक है, इसको ऐसे करके फैला लिया। ये फैलाने के बाद में इसको उठा के और इसको जो है
इस प्रकार से ये देखिए, आप जितनी भी डिज़ाइन आप लगाना चाहते हैं, जिस तरह की भी डिज़ाइन तो आप लगा सकते हैं। और उसके बाद इसको जो है देखिए चिपका के, इसको चिपका के और इसको कपड़े से जो है थोड़ा सा ऐसे पुश कर दें। ठीक है, ये देखिए ये लग गया यहाँ पे का। अब इसको जो है हम लगाएंगे ऐसे करके, सोचते हैं जब चमक लगाएं तो जिसमें वो पता चले कि हाँ कोई डिज़ाइन बना हुआ है। तो हम चमक वाले को सीधा रख देते हैं, थोड़ा थोड़ा ऐसे लगा देते हैं। बहुत ज़्यादा लगाने से भी जो है, बहुत ज़्यादा लगाने से भी एकदम जैसे पानी जैसे हो जाता है। इस तरह से लगाया, पूरे में लगा लेते हैं। और उसके बाद जो दोस्तों कोई ऐसे उठाया हमने, ये देखिए ऐसे उठा के, और इसको जो है ऐसे लगा देंगे, ये जहाँ पे पत्ता आएगा कि पत्ते से छिप जाए, तो इसको हम ऐसे करके ये देखिए ऐसे लगा देंगे। अब उसके बाद क्या करना है इसको, कि इसको जो है बहुत आहिस्ता आहिस्ता ऐसे करके पहले ठट्टे पे लगाएंगे और फिर इसके चारों तरफ, इसके फिर चारों तरफ ऐसे धीमे धीमे, इसको फिर धीमे धीमे करके उसको ऐसे ये ऐसे करके चिपका दीजिए। ठीक है, अब ये जो है अपना ये सूखता रहेगा। अब जहाँ पे मेन बारी आती है कि यहाँ पे ठट्टे में लगाना, ठट्टे में क्या करेंगे दोस्तों, कांप में, ठट्टा नहीं कांप, इसको लगाएंगे। इसलिए कि जो है इसको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। इसको जो है बहुत मजबूती से पकड़ना चाहिए, इसके लिए हम इसको लगाएंगे। ये देखिए इस तरह लगा के, और उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे कि इसको जो है बीच सेंटर ऐसे अंदाज से लगा के, और उसके बाद इसको ऐसे करके इस प्रकार से अच्छे से चिपका देंगे। आप लोगों को अच्छा दिख रहा होगा। अब इसके अंदर जो है, अब ये कमाने की बारी आ गई पिट्ठे की। तो देखिए ये जो आप देख रहे दिखाते हैं आपको, इसमें जो है आप देखिए ये जो फुटका दिख रहा है आपको, ये दोनों तरफ का, तो यही मेन होता है। ठीक है, ये देखिए आपको दिखाते, ये जो है फुटका आप देख रहे होंगे, ये देखिए ये बैलेंस है, ये देखिए बैलेंस है। इस बैलेंस के पास से ही जो है आपका जो पिट्ठा है ना, ये यहीं पे लगेगा। ठीक है, आपको दिखाते हैं, इसको फैला लेते हैं थोड़ा ऐसे करके, ये देखिए अच्छे से फैला लिया। और उसके बाद इसको एकदम ठीक उसी जगह पे रखना है जहाँ पे से हमारा निशान लगा है। ये इसको चिपका दिया, ठीक है, इसको ये अच्छे से चिपका दिया। उसके बाद जो है इसको पोछते भी रहना है,
अब उसके बाद दोस्तों क्या करना है कि इसको हम हल्का हल्का सा, एकदम हल्का हल्का सा यहाँ से ऐसे हल्का हल्का सा रख देंगे कि ये भी इसी में चपक जाएगा। इसको ऐसे करके ये फैला दिया, ये देखिए ठीक ये फैल गया। अब इसको क्या करना है कि हम ये धागे को इसी के साथ में करके एकदम ठीक उसी जगह पे दोनों का बैलेंस ऐसे रख के कांप का, और इसी हिसाब से ये इसको हम लगा के ऐसे, ये देखिए ऐसे लगा के पहले कांप में हम ऐसे चपका देते हैं ऐसे, और फिर उसके बाद धीरे धीरे हाथ से ऐसे धीरे धीरे करके जड़ों में ले जाएंगे। ठीक है, जड़ों में इसको ऐसे उंगली से दबा देंगे, उसके बाद इसको फिर हम ये कपड़े से दबा देंगे। तो ये दब गया। अब उसके बाद दोस्तों ये जो बची है कमानी, इसको भी लगे हाथ उसी में चपका देते हैं। ठीक है, इसी में अच्छे से ये, हालांकि बहुत से लोग बाद में ही करते हैं, लेकिन चूंकि हमने उसमें लगा दिए वगैरह, तो हम इसको साथ में ही जो है चपका देते हैं इस तरह से करके, और ऐसे करके कपड़ा थोड़ा थोड़ा सा ऐसे मार देते हैं इसमें दब जाए। तो ये जो है एक तरफ का हो गया ये, अब ये दूसरे तरफ का, दूसरे तरफ का भी दोस्तों इसी तरीके से जैसे कि उधर हमने लगाया है, इधर जो है हमने चमक को सामने रखा है, तो इसको भी जो है चमक को सामने रखेंगे। ठीक है, इसको भी जो है चमक को सामने ही रखेंगे, तो इसको हम उल्टे सीधे तरफ से जो है और इसमें जैसे लगता है कि जो है थोड़ा सा कम हो गया है, काम भर का बचा है इसी भर का हो जाएगा, इसको जो हम इस तरह से फैला के, ये देखिए ऐसे फैलाने के बाद उसी प्रकार से रखेंगे एकदम ठीक निशान पे। अगर निशान पे आप रखेंगे तो पतंग आपकी सीधी उड़ेगी एकदम। ठीक है, इस तरह से, और उसके बाद इसको हम थोड़ा थोड़ा सा अंदर जो है अंदर की तरफ ऐसे फैलाने के लिए थोड़ा थोड़ा सा इसको लगा देंगे, और फिर उंगली के ज़रिए से इसको ऐसे फैला देंगे। अब उसके बाद जो हम क्या करेंगे कि इसको जो है उसी तरह से रखेंगे जैसे उधर का, और ये धागे को उंगली से अपने अंदर करे रहेंगे। ठीक है, उसके बाद इसको ऐसे कर लेंगे, उसके बाद जो है हाथ से ऐसे पहले हल्का सा करके, और फिर उसके बाद उंगली से अपनी ऐसे करके उंगली से ऐसे दबा दीजिए। ये देखिए ठीक है, इस तरह से दबाने के बाद में अब इसको जितना भी ये बढ़ा है इसको हम ऐसे चपका देंगे। ठीक है, इसको ऐसे अच्छे से चपका देंगे ये, और इसको कपड़े का भी प्रयोग करके ऐसे, ये देखिए ऐसे, और इसी तरह कपड़े का इधर भी प्रयोग कर लें इस तरह से ऐसे, ये देखिए ये चपक गया। अब बारी आ गई लास्ट इस पत्ते की, तो इस पत्ते को जो है दोस्तों चमक की तरफ हम चमक कर देते हैं। ठीक है, इधर चमक इधर चमक कर देते हैं, तो इसको हम थोड़ा थोड़ा सा इसके बजाय हम ये वाला लगा देते हैं, ये
ये ठीक, और ये इसको फैला लेते हैं। इसको ऐसे फैला लेते हैं, ये देखिए पूरा इसे फैला देंगे तो ये बहुत अच्छे से जो है ये चपक जाता है। अब उसको जो है इसको हम क्या करेंगे कि इसको जो है ठीक इसी पत्ता जो देख रहे हैं लास्ट, इसका लास्ट यहाँ पे जो इसको यहाँ से और ऊपर की तरफ ठीक है ये ऐसे करके, और उसके बाद इसको धीमे धीमे पहले ऐसे करके ये देखें इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता इसको करिए। इस तरह से ये पत्ता जो है वो लग गया। अब बाकी है मेन, ये मेन है इधर का, इसको पोछ लिया जाता है जिसमें आप लोग देख रहे आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों। अब देखिए इसमें ये देखिए इसको जो है अब लास्ट जो है इसका काम खत्म हो गया है, हटा देते हैं इसको। क्या करना है दोस्तों कि अब ये देखिए जो ये तिनका है, तिनके को हम एकदम किनारे से लगाएंगे इसमें ठीक है, और इसी प्रकार से इस साइड का भी लगेगा ये देखिए। अब इसको क्या करते हैं कि पहले हम इसको हल्का हल्का सा चपका लेते हैं, ये देखिए। अब इसको अच्छे से पहले इसको आखिर में एकदम जैसे रखना है आपको एकदम आखिर में इसको थोड़ा चपका लीजिए। इसी प्रकार से इधर भी ठीक है, इसको भी। अब उसके बाद इसको भी इसी की तरह गैपिंग के हिसाब से बराबर से रखना है, ये देखिए ये चपका दिया। अब उसके बाद दोस्तों अहम जो काम है वो ये आ गया। अब इसको हमें बहुत अच्छे से लगाना है, यही इसका मेन है। इसको हम जो है चारों तरफ इसको लगाना रहता है ये ठीक है, इस तरह से चारों तरफ एकदम ऐसे लगाना है, और उसके बाद बीच में भी थोड़ा सा लगा। अब इसको क्या करना है दोस्तों कि इसको बहुत अच्छे से फैलाना है, ये देखिए इसको बहुत अच्छे से आप फैलाइए इस तरह से, और ये देखिए का मेन जो रहता है वो किनारे ही रहता है, किनारे पे ही चपकता है ये ठीक है। और उसके बाद इस साइड से बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया ये, और इस तरह से इसको पूरा फैला लीजिए ये ठीक है, इस तरह से पूरा फैला लीजिए, जहाँ जहाँ पे खाली है थोड़ा थोड़ा सा वहाँ पे भी
लगा दीजिए कि जिसमें ये अच्छे से पकड़ ले। अब इसको क्या करेंगे, इसको इस तरह से इसी के ऊपर एकदम बढ़िया से इसको रख देंगे। ये देखिए ये अपनी जगह पे ये बैठ गया है। अब इसको क्या करेंगे कि इस तरह से कपड़े से थोड़ा सा दबा देंगे। ये देखिए इस तरह से कपड़े से बहुत अच्छे से दबा देंगे। देखिए चपक रहे नीचे। अब इसको आप इसी कागज से जो है कपड़े से ही जो है थोड़ा थोड़ा इस तरह से आप कर देंगे तो ये जो बाकी है वो चपक जाएगा अच्छे से। ठीक है, मेन चीज़ होता है कि इसका ये सब चीज़ें जो है एकदम अच्छे से चपकना चाहिए। अब बीच में अगर नहीं भी चपकता है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों ये जो वीडियो है ये पूरी हो गई, पूरी पतंग हो गई। आपको दिखा दी हमने कैसे जो है बनती है, थोड़ा सा ये साइड से भी क्योंकि अभी भी ये बहुत गीला है। इस प्रकार से ये पतंग जो है ये रेडी हो गई। आप देख सकते हैं कि एकदम सही पतंग जो है बना हुआ है और खाली हवा की ज़रूरत है कि हवा अगर हो जाए तो इसको जो है किसी के ऊपर भी आप रखेंगे तो वो ये देखिए पतंग, ये देखिए वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है लेकिन अगर आप लोग ठीक से देखेंगे तो आप जो है बहुत अच्छे से पतंग बनाना सीख सकते हैं। तो दोस्तों देखते रहिए सीखते रहिए जय स्टाइल। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।